हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर काबिज हो गई है आम आदमी पार्टी और तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। और उनकी इस लड़ाई में सबसे ज्यादा उनका साथ दिया है उनके परिवार ने और उनके ये दो खास समर्थक, उनके बेटे पुलकित केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल हमारे साथ इस समय एबीपी न्यूज पर खास मौजूद हैं। लेकिन इस समय जो वुमेन ऑफ द मूवमेंट हैं, यानी मैन ऑफ द मूवमेंट की जो बेटर हाफ हैं, सुनीता केजरीवाल, आज इनका जन्मदिन है और हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आती हैं। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया आज आपको जन्मदिन के दिन। डेफिनेटली प्राउड ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। दिल्ली की जनता ने गिफ्ट दिया लेकिन काम जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया। काम हस्बैंड ने किया और गिफ्ट लोगों ने दे दिया मुझे, रिटर्न गिफ्ट। मतलब उन्होंने ईमानदारी से काम किया, उसका फल मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, सच की जीत हुई है, एजेंडा पॉलिटिक्स फेल हो गई। शुरू से हम जब से आपसे बात कर रहे हैं, जब आप कैंपेनिंग कर रही थी डोर टू डोर, उसके बाद भी जब बात की, तो आप हमेशा यही बात कहती थी कि आपको पूरा विश्वास है कि काम पर ही दिल्ली की जनता वोट देगी। वो विश्वास कहाँ से आ रहा था? विश्वास जनता ही दे रही थी। मतलब हम लोगों के बीच जा रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, तो जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही थी उससे कहीं ऐसा नहीं लगता था कि ये कहीं झूठ है। और दूसरा फिर काम का भी, एक काम जो किया है उसका भी एक विश्वास था कि अगर हर एक घर में कुछ ना कुछ खुशी आई है तो ऑफकोर्स उसको रिकोगनाइज करेंगे लोग और उस पर वोट भी देंगे सब। और स्पेशली दिल्ली के जो लोग हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत समझदार हैं। तो मतलब दिल्ली में तो ऐसा ही एक्सपेक्टेड था कि ये लोग जरूर निकालेंगे नेगेटिव राजनीति को। 5 साल पहले जब यही मोमेंट आया था, हमने देखा था कि आप अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी थी जब जीती थी दिल्ली उन्होंने। आज 5 साल बाद क्या फर्क लग रहा है? अब तो आप मुख्यमंत्री की बीवी भी रह चुकी हैं 5 साल। नहीं, अभी फर्क ऐसा सच कुछ नहीं है, बट ये है कि हाँ सेकेंड टर्म दी है, इन द सेंस कि अब और जिम्मेवारी एक और बार आई है और मुझे विश्वास है इस पे भी खरा उतरेंगे जी। हर्षिता से बात करते हैं, अपने पापा की सबसे बड़ी सपोर्टर भी हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्टर भी हैं, हमको पहले भी बता चुके हैं। हर्षिता, मम्मा का बर्थडे था, गिफ्ट मिल गया आज मम्मा को, आप लोगों ने कुछ और गिफ्ट देने की नहीं सोची फिर आज? नहीं बिल्कुल, पूरा गिफ्ट मिला है और बहुत अच्छे से। आई थिंक सब लोग बहुत खुश है इस गिफ्ट से एंड थैंक करना चाहते हैं दिल्ली की जनता को कि उन्होंने वर्क के लिए वोट करा। जिस तरह की पॉलिटिक्स रही बीच में, कई बार आप लोगों ने भी बताया कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती परिवार के तौर पर, उसके बावजूद आज सेटिस्फाइड हैं सब, आज संतुष्टि है? बिल्कुल, फुल्ली सेटिस्फाइड है एंड स्पेसिफिकली इस चीज के लिए कि जिस तरीके का कैंपेन ऑपोजिशन पार्टी ने रन करा था, जो नेगेटिव कैंपेन था उसको नकार कर लोगों ने काम के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों के ऊपर वोट करा, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। और ये खास बात है, जितना अच्छा दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं उतने अच्छा दोनों बच्चे भी बोलते हैं, पुलकित भी उतने ही मंझे हुए वक्ता है। अभी तो आप कॉलेज में हैं लेकिन आज जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे आप, जब आपको समय मिल रहा था, क्या लगा वो रिजल्ट वैसा ही आया जैसा सोच रहे थे? बिल्कुल वैसा ही आया। जब कैंपेनिंग करते थे तब भी बोलते थे कि जहां जाते हैं वही जनता बोलते हैं कि आप लोग तो क्यों ही आ रहे हैं, हम आपकी कैंपेनिंग कर देंगे और सब आप ही के साथ है, क्योंकि काम आई थिंक बोलता है। ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा काम किया है इन 5 साल और रात लगकर दिल्ली की जनता के लिए काम किया है और यही नतीजा एक्सपेक्टेड था और जनता ने विश्वास दिया था हमें। तो जीत के बाद सबसे पहले तो जब वो समय चल रहा था काउंटिंग, जब ऊपर नीचे आंकड़े जाते हैं तो टेंशन होती है आप लोगों को? टेंशन तो होती है, कॉन्फिडेंस भी था कि अपना काम पे हमें जनता वोट देगी, लेकिन हाँ जब ऊपर नीचे हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है, टेंशन थोड़ी तो होती है। जीत के बाद सबसे पहले क्या बोला आपने अपने पापा को? जीत के बाद एक्चुअली इतनी भीड़ है अभी तो हमसे मतलब टाइम ही नहीं मिला अच्छे से बात करने का, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन तो हुआ ही और फिर मम्मी का केक भी काटा था तो उसमें। आपने भी सबसे पहले आपको मिला समय कॉन्ग्रेचुलेट करने का या नहीं मिला? लोग रूम के अंदर सब पार्टी कर रहे हैं, सब एक दूसरे का कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। टेंशन रहती है जब आंकड़े ऊपर नीचे जाते हैं या कुछ सीटें ऐसी लग रही थी कि फंस जाएंगी बड़े चेहरों की, उस समय कुछ टेंशन हो रही थी? क्या बातें चल रही थी उस समय? एंग्जाइटी तो रहती है ऑफकोर्स, लेकिन निकल गया, अच्छा हो गया है, जब अंत वाला तो सब वाला। और अब ओथ सेरेमनी होनी है, क्या तैयारी है, कुछ बात हुई अभी तक कब ओथ सेरेमनी होने वाली है? इस पे अभी हो गए बात, हाँ अभी तो इट्स स्टेप बाय स्टेप। तो
जाहिर तौर पर जो रिजल्ट आया है वो बेहद सेटिस्फैक्ट्री है पूरे परिवार के लिए, और चेहरे पर जो मुस्कान है सबके वो आप देख सकते हैं, सबने कंग्रेचुलेट किया। आपने बधाई दे दी, आपको समय मिल पाया, बधाई है। ये पूरा परिवार अरविंद केजरीवाल का, उनके बेटे बेटी और उनकी पत्नी जिनका जन्मदिन भी है, और आज एक खास मौका ये हो गया उनके जन्मदिन पर भी कि दिल्ली की जनता ने उन्हें ये गिफ्ट दे दिया। एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और इसके मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल। कैमरा पर्सन राममणि पांडे के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।